नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के संचार के बारे में। जुपिटर प्लेनेट संचार के दौरान 29 जुलाई 2022 को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी कि वापसी पे चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में। कोई भी ग्रह जब रेट्रोग्रेड होता है, वापसी पे चलता है, तो ज्यादा से शुभ प्रभाव नहीं देता, क्योंकि उसकी अपनी सिचुएशन ऐसी होती है, अपनी स्थिति ऐसी होती है कि वो जो है शुभ प्रभाव नहीं दे सकता। अतः क्योंकि बृहस्पति ग्रह एक ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है और शनि ग्रह के बाद सबसे बड़े ग्रह हैं। ब्रह्मांड में जितने भी उल्का पिंडों से या और अन्य खतरों से जो नुकसान होने की संभावना होती है, उससे बृहस्पति ग्रह ही बचाते हैं, और वो गृहस्थी में हमारे को भी ऐसे ही बचाते हैं। यानी कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में सही है तो आपकी गृहस्थी बिल्कुल सही है। अब बृहस्पति ग्रह जब वक्री हो गए हैं और 12 जुलाई को ही इन्होंने इस राशि में प्रवेश किया था, कुंभ राशि से मीन राशि में, अब वो वक्री हो गए हैं और 29 नवंबर तक ये चलेंगे वहीं पे, यानी कि लगभग आपके 3 महीने जो है बृहस्पति ग्रह 3-4 महीने वहीं रहेंगे, वक्री होंगे, रहेंगे मीन राशि में। चलिए, ये बात थी उनके संचार के दौरान चाल की। अब मैं बात करता हूं कि बृहस्पति ग्रह का जिक्र करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, आपकी गृहस्थी से संबंधित है, आपके धन से संबंधित है, पैसे से, आपकी आमदनी से संबंधित है, आपकी जितनी भी प्रोग्रेस होती है, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, उससे संबंधित है। वहीं राजनीति में बृहस्पति ग्रह राजनीति के संघर्ष से लेके मंत्री पद तक की सिचुएशन से भी संबंधित है। वहीं बृहस्पति ग्रह वातावरण में अगर सही है, बृहस्पति ग्रह तो वातावरण सही रहता है, अगर नहीं है तो आबो हवा भी खराब हो जाती है। कितनी काम की बातें हैं, बड़े ध्यान से सुने। अतः ऐसे समय में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करके रखें, बहुत ठीक रहेगा। जितना आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत रखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। बृहस्पति ग्रह का संचार के दौरान ठीक रहना या आपकी कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है। अतः आप बृहस्पति ग्रह को अपनी कुंडली में विश्लेषण जरूर करवाएं किसी अच्छे ज्योतिषी से, संचार का भी और प्लेसमेंट का भी। अगर बृहस्पति ग्रह आपके संचार और प्लेसमेंट दोनों में सही है तो ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं होगी। उसी तरह से जब ये बृहस्पति ग्रह संचार के दौरान वक्री हो रहे हैं तो देश दुनिया पे क्या होगा, ऐसे समय में धन के लिए परेशानी होती है, क्योंकि उसके मालिक हैं। उसी तरह से वातावरण में चेंजेस आती हैं, असामान्य बरसातें आएंगी, असामान्य परेशान, मतलब जो है, यानी कि सब कुछ सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है वातावरण का। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, मैं आपके राशियों से भी बताऊंगा इसको। जैसे बृहस्पति ग्रह मेष राशि वाले जातक हैं, उनके बार में भाव में बृहस्पति ग्रह संचार कर रहे हैं वक्री दृष्टिकोण से, तो बार में बृहस्पति का ही अपना घर है और बृहस्पति ग्रह संचार के दौरान आपके स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, उसी तरह से अपने लेन देन का भी ध्यान रखें।
प्रमोशन एवेन्यूज का भी ध्यान रखें, कहीं नौकरी पे हैं उसी तरह से आप कहीं राजनीति में हैं तो सावधानी रखें दुश्मनों से। बात करूं वृषभ राशि की, बृहस्पति ग्रह आपके जो अभी धन भाव से गुजर रहे थे, यानी कि आपके हाउस ऑफ गेंस से गुजर रहे थे, धन से और भी स्वास्थ्य संबंधी अच्छी चीज़ों से, तो ऐसे समय में आपको वो पूरी अचीवमेंट्स मिलने की उम्मीद नहीं है। मिथुन राशि आपके प्रोफेशन से संबंधित चीज़ें जितनी भी हैं, आपके कर्म अवस्था से जितनी संबंधित चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखें तो फायदे में रहेंगे। और कर्क राशि आपके भाग्य स्थान से ही बृहस्पति ग्रह गुजर रहे हैं तो लंबी यात्राओं पर सावधानी रखें, यानी कि अपने उसी तरह से और जितना धर्म स्थान के नज़दीक रहेंगे या धर्म धार्मिक रहेंगे तो उतना थोड़ा फायदे में फिर रह सकते हैं। अब वक्री ग्रह की मैं बात करूं आपकी लियो सिंह राशि से, वहां आपके बारहवें भाव से बृहस्पति ग्रह जो है संचार के दौरान वक्री है, सॉरी आठवें भाव से संचार के दौरान वक्री हैं, तो ऐसे समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने दुर्घटनाओं से पैसे से संबंधित कोई भी रिस्क न लें और दुश्मनों से भी सावधान रहें। कन्या राशि के जातक, विवाह संबंधी कोई या गृहस्थी से संबंधी विवाह के बाद कोई समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे समय में कोर्ट कचहरियों की बजाय आपसी समझौते पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और विवाह शादी में देरी है तो बृहस्पति ग्रह की उपासना पूजा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसी तरह से जो है तुला राशि आपके छठे स्थान से गुजर रहे हैं तो दुश्मनों से सावधानी बड़ी ज़रूरी है और लोन वगैरह के नौबत ना आ जाए तो पैसों का भी लेन देन का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि पांचवें भाव से बृहस्पति ग्रह गुजर रहे हैं, लट्टा जुआ कहीं पैसा मत लगाएं, जुए वगैरह में और लॉटरी वगैरह में सट्टे में कहीं पैसा लगाने की कोशिश ना करें। इसी तरह से एजुकेशन वगैरह में हैं तो कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप बात करूं मैं धनु राशि की, आपके चतुर्थ भाव से यानी कि जहाँ पे भूमि भवन वाहन के लिए धन अर्जित करते हैं बृहस्पति, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं तो ऐसे धन भाव का मेन जहाँ इश्यू आ गया तो आप भी सावधान रहेंगे। और बात करूं मकर राशि की तो धन छोटे बहन भाइयों से संबंध ठीक रखें, उसी तरह से यात्राओं में भी सावधान रखें। कुंभ राशि के जातक धन संपत्ति पे के प्रति सजग रहें और कुटुंब के प्रति भी अपना प्यार प्रेम बनाए रखेंगे तो ठीक रहेंगे और वाणी को कंट्रोल करें। बात करूं मैं मीन राशि की जहां से बृहस्पति ग्रह स्वयं गुजर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस आपका जो हर चीज सही ढंग से चल रही थी तो उसमें डिस्टर्बेंसी जो आ रही है उनमें थोड़ा सा अपना कंट्रोल करें। ये तो बात हुई राशियों की। अब मैं बात करूंगा कि बृहस्पति ग्रह आपके शरीर से ही नोट हो जाएगा, अगर आपको खांसी जुकाम की समस्या आ रही है, लंग्स की कोई समस्या आ रही है, कब्ज की कोई समस्या आ रही है, लीवर से कोई संबंधित समस्या आ रही है तो आप यूँ समझिए कि बृहस्पति ग्रह आपके खराब हैं। तो आप ऐसे समय में बृहस्पति ग्रह को ज़रूर मजबूत बनाएं। उसी तरह से बृहस्पति ग्रह अपने घर के आप खिड़की दरवाजों में हवा का संबंध ठीक रखें तो शुभ रहेगा। उसी तरह से आप अपने धन पे कंट्रोल करें, ठीक खर्चे करें तो बृहस्पति ग्रह ठीक रहेंगे। पीले वस्त्र धारण करें, पीली चीज़ों का दान करें, फल हो चाहे मिठाई हो चाहे कोई भी है दान करेंगे तो फायदे में रहेंगे नीडीज को या धर्म स्थान। गुरुओं का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, दादा का आशीर्वाद लें तो आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि वो भी हमारे प्रथम गुरु हैं। और इसी तरह से बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाएंगे और जैसे मैंने बताया अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहेंगे और धन के प्रति भी, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और देश दुनिया की मैं बात करता हूँ
तो ऐसा समय आ रहा है, ये जो मैंने बताया नवंबर तक, ऐसे समय में आप खुद ही देखेंगे कि वातावरण में भी डिस्टरबेंस आएंगी और साथ में इकोनॉमिकल क्रिटिकल सिचुएशन यानी के इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आएंगे देश दुनिया में इस दौरान। ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, नोट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।